मैं नेत्रा से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं शादी। पर नेत्रा करेगी, नेत्रा शादी करना चाहती है। नेत्रा ने कहा था ना कि इसकी लाइफ बर्बाद हो गई है, इससे शादी कौन करेगा। मीडिया को कहा था, एक बार नहीं बार बार कहा है ना। इस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, कौन करेगा उससे शादी। मेरी ही बात को मेरे खिलाफ यूज कर रही है, समझ नहीं आ रहा है ये आरवी को डिवोर्स देने के लिए क्यों तैयार है। तुम आरवी से शादी नहीं करोगी नेत्रा, क्योंकि तुम कितनी ही घटिया हरकत कर रहे हो, पर मैं जानती हूँ प्यार तुम उस लड़के से करती हो। ओके ओके, तो आज बहुत टाइम बाद मैं अपनी बेबी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, चलो। थोड़ा सा बस 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 बस, चलो मुझे भी खिलाओ। अच्छा एक बात बोलो, ये नूडल्स एक्चुअली में इतना टेस्टी नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाने के बाद ना ये बहुत यम्मी है। अरे अरे मार ही डालोगे क्या? अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी बेबी की टैंट्रम्स कौन झेलेगा, कौन खिलाएगा मेरी बेबी को हाथ से। ये लास्ट छोटा सा बाइट, बहुत छोटा सा बाइट। बस बस क्या हुआ? मुझे अब कॉफी पीनी है तुम्हारे हाथ की, प्लीज। हाँ तो प्लीज बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। आई नो मेरी बेबी को नूडल्स के साथ कॉफी पीने की आदत है, और वो भी मेरे हाथ की। So you be here and मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ, ठीक है? I'll be back. Thank you भगवान, इसे मेरी लाइफ में भेजने के लिए। अगर मुझे कोई जिंदगी में खुश रख सकता है तो वो है सिर्फ ये। किसी ने मुझे आज तक इतना प्यार नहीं किया, और ये तो मुझसे शादी भी करना चाहता है। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मैं इसे खो दूं, के लिए मर भी सकती हूँ। प्यारा इंसान है ये, मैं सिर्फ इसकी हूँ, सिर्फ इसकी। अच्छा नेहा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। प्यार करती हो मुझसे? दुनिया में सबसे ज्यादा। साथ रहोगी मेरे? हमेशा, हमेशा के लिए साथ रहना है। ये लीजिए मैडम आपकी स्पेशल कॉफी, जस्ट द वे यू वांट, और जल्दी जल्दी पी के बताइए कैसी बनी है। चीयर्स। थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट, आई लव यू। अच्छा वैसे फ्यूचर में अगर मुझसे ज्यादा कोई अमीर लड़का मिल गया तुम्हें तो? अमीर लड़का मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल किसी और के पास नहीं होगा। मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा दिल चाहिए। ये नेत्रा, इसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिससे शादी करना चाहती है, फिर इसने मीडिया के सामने झूठ क्यों बोला कि शादी करने के लिए कोई नहीं है। इसे मीडिया वालों से सिंपैथी चाहिए थी, ये चाहती है कि सबके दिल में इसके लिए हमदर्दी हो। हाँ, और आरवी के लिए सबके दिल में नफरत।